हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ माय फेयर क्रीम की। ये एक मेडिकेट क्रीम है, स्किन के कुछ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। इसको रेगुलर बेस में यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, ठीक है। ये एक मेडिकेट क्रीम है जो स्किन के कुछ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। सो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी, उससे पहले ही बता देती हूँ इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है 199 रुपीज़। 20 ग्राम की क्रीम आती है, बट आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी अप्रॉक्स 120-130 रुपीज़ में। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। ये माय फेयर क्रीम में 3 मेडिसिन का यूज किया गया है, एक हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है मोमेटासन और तीसरा टेटिनोन, जो स्किन के दाग धब्बे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर चेहरे पर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, मिलाजमा है, हाइपरपिगमेंटेशन है, सन टैन है, अंडर आई डार्क सर्कल की समस्या है, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रेगुलर यूज़ से 7 से 8 दिनों में स्किन के ऊपर फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, सन टैन है, सन लाइट की वजह से स्किन डार्क हो चुकी है, स्किन डल हो चुकी है, ये सब प्रॉब्लम में ये क्रीम का रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी बेहतरीन है। बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट दिखने को मिलता है। अपने आप ही आपको फील होने लगेगा कि स्किन पहले के मुकाबले फेयर होने लगी है, दाग धब्बे कम होने लगे हैं, ठीक है। बट ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, स्किन पर फेयरनेस जरूर देती है तभी तक जब तक आप इसका यूज करते हो। जैसे आप इसको लगाना बंद कर दोगे, स्किन पहले जैसी हो जाएगी, पहले जैसे स्किन डार्क और डल दिखने लगेगी। अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हो साल भर साल, तो इसका साइड इफेक्ट भी है। एक तो यूज टू बना देती है स्किन को, स्किन पर इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे अगर आप फेयरनेस के अकॉर्डिंग देखते हो तो। सेकेंड ये कि अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो साल भर साल, तो ये स्किन को सेंसिटिव बना देती है। स्किन जो है पतली हो जाएगी, स्किन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आप बाहर धूप में जाते हो, सनलाइट में जाते हो, तो स्किन पर जो है रेडनेस आ सकता है, स्किन पर जलन हो सकता है, इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तभी तक जब तक आपके प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाते हैं, उसके बाद आपको इसका धीरे धीरे करके छोड़ देना, ठीक है। आपको ओनली नाइट में ही लगाना है, डे टाइम में नहीं लगाना है। डे टाइम में सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करना है, SPF 40-50। नाइट में सोने के आधे घंटे पहले फेस को वॉश करने के बाद एकदम थोड़ी सी क्रीम लेके ओनली इफेक्टेड एरिया में लगाना है, जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे हैं वहाँ वहाँ आपको लगाना है। अगर आपके पूरे फेस में प्रॉब्लम है तो आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हो, बट क्रीम की क्वान्टिटी जो है एकदम थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। एंड मॉर्निंग में फेस को वॉश करने के बाद ही आपको बाहर जाना है, मॉर्निंग में फेस वॉश जरूरी है, ठीक है। एंड जब तक आप ये क्रीम को यूज़ करते हो, आपको ब्लीच वगैरह अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, ऑल्सो हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।